जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अपने आप को मजबूत करें, हर बात पर सर झुकाना छोड़ दें। बहुत छात्र लोगों से पाला पड़ा है आपका। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। मैं हूं ना, कदम कदम पर साथ दूंगा आपका। आसमान की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। कॉल मैंने आपको इसलिए किया कि वो जो रिदा है ना, प्लीज उसको मेरे पास भेज दें। रिदा को? हाँ रिदा को। अम्मा जब से मैके गई हो उसके माँ बाप को पलट के तुमने पूछा तक नहीं, उसकी बहन की खैर खबर नहीं ली। मैं अम्मी के साथ साथ उस्मान के लिए भी बहुत परेशान हूँ, मैं खुद उलझ के रह गई। अच्छा बहरहाल काशवा की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उसे, इतनी कमजोरी है कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकती, पानी भी नहीं पी सकती। खुद तुम अपना जरूरी सामान पैक करो और उसकी तरफ चली जाओ। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ठीक है ठीक है। देखो 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 देखो, तुम परेशान मत हो, समझो कि एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है तुमने। हाँ और सुनो, बहुत अच्छी हो, देखना कुदरत कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगी। हाँ वक्ती परेशानी है, गुजर जाएगी और तुम्हारे नसीब में खुशियां ही खुशियां होंगी, याद रखना मेरी ये बात। तुम्हारी बातों ने बहुत हौसला दिया है तुझे, वरना मैं तो डाइवोर्स के बाद बहुत डिप्रेस हो चुकी थी। तुम एक काम करो ना, यहाँ हमारे पास पाकिस्तान आ जाओ, यकीन करो अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें टाइम दूंगा। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। अरे तो कर लो ना प्लान, यकीन करो एक बार पाकिस्तान आ जाओगी तो सीरियसली फ्रेश हो जाओगी, और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। जी तो एक काम करना कि मैं बाद में कॉल करता हूँ, खाला को सलाम कह देना। हाँ कॉल का वेट करूँगा। खुदा हाफिज़। पिंकी कॉल थी। अच्छा क्या कह रही थी? बहुत अच्छी तरह बात की उसने, मैं तो सीरियसली एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था। मैं अच्छे अखलाक की लड़की है, बस बेचारी किस्मत के हाथों मार खा गई। आओ चले। ये हम कहाँ हैं? अरे तुम आओ तो बताता हूँ। लेकिन काशवा बाजी इंतजार कर रही होंगी। अरे भाई घर भी चले जाएंगे, थोड़ी सी देर की तो बात है। असल में मुझे कॉफी पीने का बड़ा दिल चाह रहा था और यहाँ की कॉफी बड़ी लाजवाब है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ ना। तुम्हारे लिए कुछ और मंगाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी कॉफी पियो और घर चलें। अरे इतनी अच्छी जगह है, एंजॉय करो, मुझ गरीब पर क्यों बिगड़ रही हो? ऐसे मुझे कॉफी की कोई खास तलब नहीं थी, ऐसे बहाने से लाया हूं तुम्हें, तुम्हें रिलैक्स करना चाहता था। यकीन मानो बहुत हमदर्दी है मुझे तुमसे। आपको मुझसे हमदर्दी क्यों? क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? और मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत भोली हो तुम, बहुत मासूम हो, जानती नहीं हो कितना बड़ा हाथ हो गया है तुम्हारे साथ। हाथ हो गया? आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या हुआ है मेरे साथ? बहुत ही खुदगर्ज और जालिम लोगों से पाला पड़ा है तुम्हारा, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी के सगे नहीं हैं।
आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है। मुझे अपना हमदर्द अपना दोस्त समझो। दोस्त? मेरे शोहर के अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। तुम तो बुराई मान गई। अरे इसको ऑर्डर की है कॉफी। आपने कहा ना आपको कॉफी नहीं पीनी, घर चले। बात सुनो, मैंने हंडिया बना दी है, इकबाल आए तो रोटी डाल देना उसे। पर हाँ, मैं नमाज पढ़ के जरा आराम करूंगी, बहुत थक गई हूं मैं। आ जाओ इधर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, इस बच्ची को क्यों लेकर आ गए? ये काशफा की नई वाली भाभी है ना? क्या मतलब है, कहाँ से लेके आ गए? है? मेरी भाभी है, मेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था भाई। देखो, नई नवेली दुल्हन पहली दफा घर आई है तो कुछ खातिर तवाजो के लिए एहतमाम तो करना पड़ता है ना। हाँ, सारा पता है मुझे, खातिर करनी होती है, तवाजो करनी होती है, सारे इंतजाम मैं कर लूंगी, आप फिक्र मत करें प्लीज। तौबा है भाई, मैं भी किससे बहस करने बैठ गई। बेटा, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। सुन रहे हो अपनी अम्मा की बातें? बड़ी हमदर्दियां आती हैं दूसरों से, मुझसे तो कोई हमदर्दी नहीं है, सुन लिया ना तुमने? सुन लिए। पहली बार आई है रिदा घर पर। हाँ, सुन लिया है भाई मैंने, सुन लिया है कि पहली बार आई है। कितनी बार बताओगे? खुश अखलाकी का दौरा पड़ गया है माँ बेटे को। मेरी दफा तो इतना दौरा नहीं पड़ा था जब मैं पहली बार शादी करके इस घर में आई थी। है खैर, तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? हाँ, जाओ उधर राइट साइड पे किचन है, जाके रोटियां डाल लो। अम्मी बात सुनो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक है। ठंडा ठंडा ना मिल्क शेक बना के दे दो मुझे, बस बनाती हूँ। और हाँ, एक और बात सुनो, तुम यहाँ पे मेरी खिदमत के लिए आई हो, मेरी सास की खिदमत के लिए नहीं आई हो, इसलिए उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना, समझ आई है? और तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? ये यहाँ रख दो, नहीं बाहर रखता हूँ कमरे। वाह, बस बेटा जीते रहो, जाओ बेटा तुम जाकर आराम करो, मैं ठीक हूँ, मैं सो जाऊंगी। आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें, खुश रहो बेटा। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे ससुराल से किसी का फोन आया भी कि नहीं आया? नहीं। तो बेटा तुम खुद कर लो ना तसीफ को फोन, मुझे डर है बेटा अगर दोनों तरफ से इसी तरह खामोशी रही तो कहीं ये बदगुमानी बढ़ते बढ़ते तूफान न बन जाए। बेटा तुम फोन करके हाल अहवाल पूछ लो ना उससे, इस तरह नाराजगी भी दूर हो जाएगी, मुझे यकीन है बेटा उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। बस एतराफ करते और तुम्हें बुलाने में पहल करने में झिझक रहा होगा, तुम मना लो बेटा उसे, मना लो मेरा बच्चा। जी खाला। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश आबाद रखे, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करे। अरे ये इस वक्त कौन आ गया? सफीर भाई ना, या फिर अम्मी तबीयत का पूछने के लिए आए हैं। अच्छा बेटा,
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आई ससुराल से? कुछ दिन ही हुए, आप अचानक से आ गए। चले अच्छा है, खाला खुश हो जाएगी। तो सफीर ने मुझे फोन करके बताया, तबीयत बहुत खराब हुई थी। हाँ, तबीयत काफी खराब है उनकी। डॉक्टर ने टेस्ट का कहा है, बोला खैर करे, भाप ही नहीं रही कुछ भी। अल्लाह करे सब खैर हो। हाँ अल्लाह करे सब खैर हो। मुझे इन्होंने पहले बता दिया होता तो मैं शायद जल्दी निकल। स्मार, आपने आज भी कॉल नहीं की। यही मायूसी आखिरी हदों को छूने लगी है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो उस्मान? आखिर मेरा कसूर क्या है? काश्मा बाजी कहती हैं कि आप मुझसे नाराज हैं। मेरा कसूर बताने के लिए मुझे कॉल कर लें। लाओ मुझे, तो मैं मदद करा देता हूँ। तुम धोती जाओ, मैं सुखाता जाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाइए। अरे कैसे कर लूंगी? इतनी नाजुक हो, थक जाओगी। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, आप जाइए। खफा क्यों हो रही हो? किस बात का गुस्सा आ रही है मुझे? आपका गुस्सा देखा नहीं जाता हमसे जनाब। कहाँ है काशवा बाजी? गहरी नींद सो रही है। मैं पता तो है, सोने के अलावा और टीवी देखने के अलावा से कोई काम भी नहीं है। हाँ, ऐसे में मैं भला किससे बात करूं, किससे दिल का हाल कहूं। मेरा भी दिल चाहता है कोई हमदम हो, कोई हमराज हो। जाहिर है जैसे उस्मान के बाद तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता होगा। जाहिर है तनाई फील होती होगी, दिल चाहता होगा कोई मेरा हमदर्द हो, कोई मुझसे बात करे। जी नहीं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उस्मान मुझे रोज कॉल करते हैं और हम बहुत बातें करते हैं। तुम्हें झूठ बोलना भी आता है? लेकिन सच पूछूं, तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें तुम्हारे झूठ का साथ नहीं देती। काशफा ने बताया मुझे उस्मान के बारे में बहुत परेशान रहती हो तुम। ना वो तुम्हें कॉल करता है, ना तुम्हारी कॉल रिसीव करता है। वही हुआ जिस बात का डर था मुझे। क्या डर था? ये कल के लड़के विलायत जाते हैं और वहां के रंग में रंग जाते हैं। इन सारी रंगीनियों में भूल जाते हैं कि किसी को पाकिस्तान में अपने नाम पर छोड़कर आए हैं। और वैसे भी उस्मान था ही बड़ा रंगीन मिजाज। यहाँ पाकिस्तान में कितनी आफत मचाई हुई थी तुम्हें नहीं पता। तुम परेशान क्यों थी उसके बारे में? हाँ भला, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के लिए यहाँ कोई कमी हो सकती है क्या? लाओ मैं मदद कर। सादिया मेरी बच्ची, तूने इस बीमारी में मेरा कितना साथ दिया, बड़ी खिदमत की है मेरी। सी बातें कर रही हैं हम। आपकी जिम्मेदारी का फर्ज हम पर लागू हो रहा है, हमें आपकी खिदमत करनी चाहिए। जिन हालात में, जिन परेशानियों में आपने और अम्मी ने हम लोगों की परवरिश की है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है सादी अम्मी। बतौर मेरे सर से जब से बाप बसाया गया, तब से आपने हमारी इस तरह परवरिश की, ना प्यार दिया। बेटा ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद उसका ख्याल रखे, इसीलिए तो वो उसकी अच्छी परवरिश करते हैं, उसकी खिदमत करें। खाला अपना ख्याल रखना है ना आपको। हमारा आपके और अम्मी के अलावा है कौन? बेटा
जिंदगी बहुत तो अल्लाह ताला के अख्तियार में है ना, अब जो वक्त लिखा है वो तो टल नहीं सकता। कैसी बातें करती हैं आप, अल्लाह करे हमारी उम्र लग जाए आप। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने परेशान कर दिया ना तुम लोगों को, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, बस चाहते हैं आप भी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा सुनो, अब काफी देर हो गई है, तुम जाकर आराम करो, ये तुम्हें छोड़ आता है अनेक, जा बेटा छोड़ कर आ इसे। आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी मुझे जब भी बुलाना होगा आप फौरन मुझे बुलाएंगे, ठीक है? उसका ख्याल रखिए और सो जाए। अल्लाह ये कहाँ का दस्तूर है? अपनी बेटी की खिदमत करवाने के लिए जवान बहू को उसके ससुराल में रवाना कर दिया जाए? अब आपके वालदैन की नाक को ये खतरा लाहक नहीं होगा। परहीन, हम उस्मान को लेके पहले ही बहुत परेशान है यार, वो कई दिनों से कॉल्स नहीं उठा रहा और तुम नया मसला लेकर बैठ गई हो। असर उस लड़की के बारे में सोचा है? रिदा, जिसकी माँ सख्त बीमार है, शोहर परदेश में पता नहीं कहाँ है, एक कॉल नहीं कर रहा, उसकी हालत ठीक होगी? आपको अंदाजा भी है वो कितनी परेशान होगी? क्या चाहती हो तुम? पहले तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप की नजरों में बुरा बनता रहता हूँ, अगर मैंने रिदा के हक के मुकदमे लड़ना शुरू कर दिए तो मैं तो उनकी नजरों से ही गिर जाऊंगा यार, नहीं कर सकता मैं ये सब। बेटी की जरा सी तकलीफ देखी नहीं जाती, उस बेचारी को उसके ससुराल रवाना कर दिया। तुम तो यही हो ना, तुम्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे बिला वजह काटने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर ये सब कुछ मेरे साथ होता ना तो मैं साफ इनकार कर देती। अपनी नंद के घर जाकर ससुराल में उसकी उसके शौहर की खिदमत करना ये मेरा फर्ज नहीं है। अच्छा फरीन बस कर दो यार, सर में दर्द कर दिया मेरे। अच्छा मैं चलता हूँ। अंदर नहीं आना, सफी भाई से नहीं मिलेंगे? कभी किसी और दिन मिल लूंगा, अभी अम्मी अकेली है ना। हाँ। सादिया बात पूछूं, सच सच बताओगी मुझे, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ये ठीक तो है ना, मतलब कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? रह नहीं सकता उनके बगैर, मुझे परेशान हो। या ना करे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ ठीक करेगा, और हम सब हैं ना आपके साथ। तब मैं बहुत परेशान था जब माँ बताना कि पता नहीं अम्मी रिता के बगैर कैसी होंगी, कौन ख्याल रख रहा होगा, यहाँ आके मेरे अंदाजे गलत हो गए। अरे एहसान का बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत किया है, थैंक यू सो। ये एहसान की नहीं है कोई बात, मैंने अपना फर्ज समझ के खाला का ख्याल रखा। बाकी आप आ गए हैं ना, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है उनकी, ख्याल रखना आप उनका। प्यार करता हूँ उनसे मैं, लाजमी सी बात है ख्याल रखूंगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। Thank you.
ये कल के लड़के विलायत जाते हैं और वहां के रंग में रंग जाते हैं। इन सारी रंगीनियों में भूल जाते हैं कि किसी को पाकिस्तान में अपने नाम पर छोड़कर आए हैं। उस्मान था ही बड़ा रंगीन मिजाज। यहाँ पाकिस्तान में कितनी आफत मचाई हुई थी तुम्हें नहीं पता। उस्मान, आप मेरे साथ ऐसा किस तरह कर सकते हैं? मैं आखिर अपनी परेशानी किसके साथ शेयर करूं? कौन है जो मेरी मदद करेगा? क्या अकबाल भाई ठीक कहते हैं? क्या आप सच में मुझे भूल गए उस्मान? रात का 1 बज गया है। अम्मी पता नहीं सोई होंगी कि नहीं, उनकी तबीयत कैसी होगी? आखिर ये कैसी मजबूरी है, मैं अपनी माँ को छोड़ के यहाँ चली आई। काशफा बाजी तो ठीक है, उनका बुखार भी उतर गया है, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रहना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी खुशखबरी के साथ ही कॉल की होगी तुमने, तो बताओ बात की तुमने अपने भाई से या नहीं? मेरी बात नहीं हुई उनसे। क्या मतलब बात नहीं हुई? वैसे बड़ा गासिब है तुम्हारा भाई, बहन का हक दबाए बैठा है। किससे बात करी? तुमसे बाद में बात करते हैं। वो सफीर से। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सफीर सादिया का भाई ना? नंबर कैसे आया तुम्हारे पास? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सादिया बेटा, क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। तो सिर्फ याद आ रहा है। अल्लाह मियाँ ने मियाँ बीवी का रिश्ता कुछ ऐसा ही बनाया है, चाहे जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाएं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मुझे यकीन है कि तौसीफ भी इसी हाल में। तौसीफ को मेरी फिक्र नहीं है, अगर मेरा एहसास होता तो मुझे कॉन्टेक्ट करती, मुझसे बात करती। उन्होंने तो मुझे एक कॉल भी नहीं की है। अगर तुम कहती हो तो मैं तौसीफ से बात करती हूँ। नहीं अम्मी, मैं नहीं चाहती आप उनके घर जाएं, उनके घर वाले आपकी इज्जत करें। नहीं नहीं बेटा, शमीम बहन तो बड़ी अखलाक वाली हैं, समझदार हैं। मैं उनसे बात करूंगी, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुझे उनके लहजों में लालच की बू आती है। तौसीफ को गड़बड़ाने में आंटी और शाजिया का याद है मुझे। अच्छा, आप जाके आराम करिए। क्या मैं तौसीफ से बात करूं? अगर अब टाइम बहुत हो रहा है, वो इतनी जल्दी सोते तो नहीं, मुझे कॉल कर लेनी चाहिए। क्या पता तौसीफ को भी मेरी कॉल का इंतजार है। वक्त कॉल आ रही है, लगता है अकल ठिकाने आ गई है। मेरे मुतालबात मान गए? हाँ, क्या है भाई, क्यों डिस्टर्ब किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यार क्या सलाम करने के लिए फोन किया तुमने खाली? किसी अजीब औरत तुम रात के इस टाइम पे फोन करके डिस्टर्ब कर रही है मुझे। टीवी की आवाज आ रही है, मूवी देख रहे हैं। तो क्या हुआ? देख रहा हूँ तो। कब तक नाराज रहेंगे? अब नाराजगी छोड़ देना। देखिए मैंने भी सारी बातें छोड़ के पहल की है ना, ठीक हो जाए आप। तो हो गई शौहर की कदर, पता चल गया ना कि भाई मैके जाना इतना आसान काम नहीं होता है।
पहले जैसी बात थोड़ी रहती है। और वैसे भी लड़की का आखिरी ठिकाना जो होता है ना, वो उसके शौहर का घर ही होता है। मेरे ख्याल में किसी खुशखबरी के साथ ही कॉल की होगी तुमने, तो बताओ बात की तुमने अपने भाई से या नहीं? मेरी बात नहीं हुई उनसे। क्या मतलब बात नहीं हुई? हाँ, वैसे बड़ा गासिब है तुम्हारा भाई, बहन का हक दबाए बैठा है। मेरे भाई ने किसी का हिस्सा गसब नहीं किया। तुम्हारी फिर ये क्या है? हाँ, उसने जमीन फरोख्त की है ना, तुम्हारा हिस्सा तो बनता है। और अगर इतना ईमानदार है वो, तो तुम्हारा हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है वो, पूछो उससे। मैं सुबह घर आ रही हूँ, तो घर आके बात करते हैं। बात सुनो, अपने भाई को अच्छी तरह समझा कर आना कि हक लेना आता है मुझे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। मिसनी, रिदा कहाँ रह गई हो भाई? गुड्डू इंतजार कर रहा है नाश्ते का, कितनी देर लगेगी? कब से किचन में घुसी हुई, अभी तक नहीं निकली है, कमबख्त। खुद ही जाके देखती हूँ मैं। ओहो, बैठो बैठो, आराम कर तुम, बैठो। आदिका, बुखार तो खत्म हो गया, शक्ल से बिल्कुल कमजोर हो गई हो, तो कुछ दिन उसको यहीं रख लो, खुद रेस्ट करो, उसे काम करने दो, देखता हूँ क्या कर रही। क्या कर रही होगी? खाना ठूस रही होगी पहले, और क्या कर रही होगी? मुफ्त में इतना कुछ मिल गया खाने के लिए, कमबख्त। अच्छा, परेशान नहीं हो, देखता हूँ। नाश्ता कर ले। सत के जाओ, तुमने क्यों बनाया मेरा बच्चा? मैं खुद बना लेती। अरे अम्मी, अभी आप आराम करें, जब ठीक हो जाएंगी फिर नहीं रोकूंगा आपको काम से। वैसे भी आज हमने डॉक्टर के पास जाना, आपकी रिपोर्ट आ गई होगी चेकअप करवाने के, जल्दी से नाश्ता कर लें। पता नहीं ये डॉक्टर के चक्कर कब खत्म होंगे, मैं तो थक गई, मैंने नहीं जाना। खत्म हो जाएंगे, ये परेशान नहीं, पहले कुछ खा लें। अच्छा सुनो बेटा, वो रिदा का फोन नहीं आया, मुझे उससे बात करनी थी, तुम उसे फोन तो करो। अभी पहले डॉक्टर के पास चल लें, चेकअप करवा लें, आके मैं आपकी रिदा से बात करवा लूं। ठीक, बहुत अच्छा, अब नाश्ता करें और मैं फ्रेश होता हूं, ठीक है? पूरा खत्म कीजिएगा। अच्छा अच्छा, इतना भर के ले आया, कैसे खाऊंगी मैं? ये मैंने आंटी के लिए बना दिया, ये ले आइएगा। अरे वाह, इतना ख्याल है तुम्हें अम्मा का। हाँ, और एक काशफा है, ख्याल ही नहीं रखती अम्मा का। बहुत अच्छी हो तुम, जितनी प्यारी हो उतनी खूबसूरत सीरत भी। वैसे हाँ, आज मैंने छुट्टी की है ऑफिस से, खास तुम्हारे लिए। वो ग्रॉसरी करने चलेंगे साथ, मैंने सोचा कुछ बाहर घूम फिर लोगी तो फ्रेश हो जाओगी। वैसे मेरी कंपनी में कोई बोर होता नहीं,
जल्दी से नाश्ता कर लो, तैयार हो जा। हाँ काशफा की तबीयत कैसी, कुछ बताया? हाँ बात हुई थी, ठीक है। वो लड़की रिदा, मैंने उसे कहा है कि अपने पास ही रखो और खूब खिदमतें करवाओ उसे। अच्छा है, चार दिन उसके पास रह लेगी तो क्या बुराई है, कोई खास काम तो करती नहीं है। किसका फोन आ गया? हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वाले सलाम, कैसी है काशफा, ठीक है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ वो लगती है ठीक, लेकिन बहुत कमजोर है, उसका ख्याल रखो जरा। जी आंटी, आपकी उस्मान से बात हुई? अपने मतलब को फोन किया है तुमने, मैं भी कहूँ बहू बेगम को आज हमारा ख्याल कैसे आ गया। भाई बड़ी मतलबी हो तुम। प्लीज आंटी मैं बहुत परेशान हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम कम परेशान है? तुम्हें तो जुमा जुमा 8 दिन हुए है ना उसके साथ। हमारा तो वो बच्चा है, हमारी आंखों का तारा है। हमारे दिल पर जो बीत रही है ना, हम जानते हैं या हमारा खुदा। तो आंटी आप अजहर भाई से कहें ना कि पता कराएं कि उस्मान है कहाँ। चलो बस तुम्हारे मशवरों की जरूरत थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, हमें तो जैसे उसकी परवाह ही नहीं है। अरे भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना, हमने भी कर ही रहे होंगे। न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा, इतना दिल परेशान है। जब गया था यहाँ से खुश बाश हंसता खेलता गया था, पता नहीं क्या हुआ, सब तुम्हारी नहुसत है। क्या कह रही थी? बस परेशान तो मैं भी हूँ उस्मान के लिए, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। बात तो है परेशानी की, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत दूर है उससे हम। ये मनहूस लड़की जिस दिन से हमारे घर में आई है ना, हमारे घर का चैन सुकून सब बर्बाद हो गया। हाय मेरा बच्चा, मेरी जान। खैरियत है सादिया, परेशान लग रही हो? नहीं परेशान तो नहीं हूँ, वो तो आसिफ से बात हुई थी रात में, आज घर चली जाऊंगी। चलो अल्लाह का शुक्र है उसे भी अपनी बेजाजत का कोई एहसास हुआ। अब तुमने ना इस बात को दोबारा नहीं दोहराना और सब कुछ बुला के हंसी खुशी रहना है, ठीक है? मम्मी उनका मुतालबा अभी भी वहीं पर है, मैं तो बस कोशिश करने जाऊंगी कि उन्हें समझा सकूं और इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। बहुत ही कोई फजूल शख्स है जो अपनी बीवी का हिस्सा मांग सकता है, वो भला क्या समझेगा। मुझे नहीं लगता वो शख्स अपने मुतालबे से पीछे हटेगा। बेटी के सुहाग से बढ़कर क्या है सफीर, अब वो जिद पे अड़ा रहेगा तो हमें धीमा पड़ना पड़ेगा ना। तो आपका कहना यह है कि हम लाखों की रकम बस उनके हाथ में थमा दें? उसका शौहर है, इसने सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, जो इसका है एक तरह से तौसीफ का भी है ना। अम्मी लगता है भूल रही हैं कि उन्होंने अब तक आपकी बेटी को अपनाया नहीं है, रकम हथियाने के लिए पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको यहाँ हम पे दबाव डालने के लिए भेजा। उस शख्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, उस रकम पे सिर्फ और सिर्फ सादिया का हक है। फिलहाल इस मौजू पर बात मत करें प्लीज, मैं जा रही हूँ, हो सकता है कोई अच्छी सूरत बन जाए। हाँ बस अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, मैं तो वैसे ही उनके रवैये से बहुत मायूस हुई। अम्मी मुझे कोशिश तो करने देना। ठीक है फिर तुम जाने की तैयारी करो। देखिए ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, आप आज ही इनको एडमिट करा दें, कुछ हम टेस्ट वगैरह करवाएंगे उसके बाद ही ऑपरेशन का फैसला किया जाए। जैसा आप मुनासिब समझें डॉक्टर साहब,
ठीक तो हो जाएंगी ना, चाहता हूँ उनको इस दर्द से निजात मिल जाए। डोंट वरी, हमारी पूरी कोशिश होगी, अल्लाह पे भरोसा रखिए। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, फिलहाल वो शुरू करा दीजिए। हेलो रिता, सब ठीक तो है? खैरियत तुमने कॉल की? सफीर अम्मी कैसी हैं? अनी भाई से जब भी बात होती है उनसे पूछती हूँ, कहते हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा दिल फिर भी परेशान रहता है। तुम फिक्र मत करो, अम्मी की तबीयत पहले से बेहतर है ना, और वो दवाइयाँ भी ले रही हैं और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम बताओ, तुम ठीक हो? उस्मान से बात नहीं हुई है, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उस्मान से अभी तक रابطہ नहीं हुआ? नहीं, किसी का भी रابطہ नहीं है। अच्छा, तुम प्लीज कुछ करो सफीर, मुझे लगता है कि मैं परेशान हूँ, तो पागल हो जाऊंगी एक दिन। देखो वो दूर है, मुल्क से बाहर है, ऐसे मामलों में देर सवेर भी हो जाती है। फजूल में अपने आप को इन सोचों में उलझाओगी तो ठीक कैसे होगी? चलो मैं ख्याल रखती हूँ, जैसे उस्मान से बात हो मुझे जरूर इतला करना। किससे बात करी? तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो सफीर से, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सफीर सादिया का भाई ना, नंबर कैसे आया तुम्हारे पास? लगता है तुम्हारी सिर्फ सादिया से ही दोस्ती नहीं है, है ना? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा।